बिलासपुर के बल पिलवाणा पंचायत के नवनियुक्त प्रधान रजनीश ठाकुर ने पूर्व महिला प्रधान अंजना चंदेल पर भ्रष्टाचार करने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मामले की विजिलेंस जांच की मांग की है। वहीं वर्तमान प्रधान ने आगामी 10 दिनों के भीतर मामले की जांच न होने पर वार्ड सदस्यों सहित पंचायत के लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है, तो साथ ही कार्रवाई होने तक अपनी कुर्सी त्यागने का दावा भी किया है। गौरतलब है कि बिलासपुर जिले में 3 चरणों में चले पंचायत चुनाव में जीत के बाद जहां नवनियुक्त प्रधानों ने शपथ लेकर अपनी अपनी पंचायतों का निष्पक्ष भाव से समग्र विकास करने की शपथ ली, तो वहीं पंचायत के नवनियुक्त वार्ड सदस्यों को भी शपथ दिलाने की जिम्मेवारी प्रधानों को सौंपी गई है, जिसके बाद अब बलवाणा पंचायत से नवनियुक्त प्रधान रजनीश ठाकुर ने अपनी पंचायत के 7 वार्डों के वार्ड सदस्यों को शपथ दिलाई, साथ ही अपनी प्रधान की कुर्सी पर न बैठने की भी शपथ ले ली। मामला कुछ यूं है कि बलवाणा पंचायत प्रधान रजनीश ठाकुर का आरोप है कि पूर्व महिला प्रधान ने जिम के नाम पर मंगवाए सामान को टॉयलेट में न केवल कूड़े की तरह फेंका हुआ था, बल्कि जिम सेंटर को स्टोर बनाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। साथ ही रजनीश ठाकुर ने बीते 5 सालों में पंचायत में हुए विभिन्न विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार से पंचायत से जुड़े सभी मामलों की विजिलेंस जांच करवाने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच होने तक प्रधान की कुर्सी त्यागने की बात कहते हुए आगामी 10 दिनों में उचित कार्रवाई न होने पर वार्ड सदस्यों व पंचायत के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे डाली है। जो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं टॉयलेट के अंदर जिम लगाए हैं, जो जिम का कमरा में स्टोर लाया गया, और आप तो खुद जानते हैं कि जो पिछले 5 वर्षों में जो जारी हुई वहाँ पर वो सारे के सारे करप्शन से, कोई कार्य करप्शन के बिना नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब तक पीली पंचायत ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई की, कभी और बदल पर उनकी कोई भी बात आज तक नहीं गई। ये भी बात लेकर एक चाहता था कि जब तक मैं निष्पक्ष थी तब तक मैं रहूंगा, और इसी दृश्य को जनता को गया। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और मुझे कुर्सी के काबिल समझा, परंतु मैंने उस कुर्सी को त्याग कर दिया है। तब तक किया है जब तक जांच नहीं हो जाती।